करेले के बारे में आज आपको बताएंगे। करेला को हेल्दीएस्ट वेजिटेबल माना जाता है। जो करेला का जो बोटानिकल नेम है वो है मोमोर्डिका चेरेंटिया, और ये बहुत जगह बहुत शौक से खाया जाता है। कड़वा टेस्ट होता है, आपको मालूम है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये डायबिटीज़ में फ़ायदा करता है, कैंसर में फ़ायदा करता है, हार्ट में फ़ायदा करता है, स्किन में फ़ायदा करता है। तो मैं एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। पहले तो समझ लें इसमें कैलोरी कितना होता है। 100 ग्राम करेला, करेला को इंग्लिश में बीटर गर्ड भी बोलते हैं, 100 ग्राम करेला खाएंगे तो 19 कैलोरी आपको मिलेगा, 19 कैलोरी। अच्छा, फाइबर इसमें 2.4 मिलीग्राम है, जो कि परसेंट है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और फैट इसमें करीब करीब है नहीं, 0.1 ग्राम, जो कि बहुत कम होती है। याद रखिए, करेला में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसका नाम है कैप्सिसिन, गैलिक एसिड, एपिकैप्सिसिन, कोरोजेनिक एसिड, कोरोजेनिक एसिड, और इसके संग इसमें विटामिन्स, मिनरल, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फोलेट। तो ये करीब करीब सारी तरह की जो विटामिन्स, मिनरल हम लोग को चाहिए, उसकी सप्लाई देती है। अगर इसकी फ़ायदे की बात करते हैं, तो पहला करेला का फ़ायदा माना जाता है डायबिटीज़ में। जो मॉडरेट काइंड ऑफ डायबिटीज़ है, तो सिर्फ करेले के जूस से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो जिनको भी डायबिटीज़ है, उनको हम लोग बोलते हैं करेला का जूस बना के आप पी सकते हैं, करेला का सब्जी भी खा सकते हैं, बट जूस इज़ अ बेटर वन। और इसमें कुछ ऐसी कंपाउंड होती है जो कि इंसुलिन के तरह काम करती है, तो इसलिए करेला डायबिटीज़ के लिए रामबाण माना जाता है। स्किन ऑन हेयर के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। जो हेयर में जो डैंड्रफ वगैरह होता है, करेला उसको रोकता है, और जो स्प्लिटिंग ऑफ द हेयर होती है, जो दो मुंह वाले हेयर होते हैं, उसको रोकती है, और स्किन को एजिंग से बचाता है, और जो मुहासे वगैरह होते हैं उसको भी रोकता है। तो करेला आप समझ लीजिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है। लीवर को डिटॉक्सिफाई करने से क्या होता है, हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। डाइजेशन के लिए फ़ायदा करता है, इसमें बहुत सारे फाइबर होता है, वो बाउल मूवमेंट करता है, कब्जियत को दूर रखता है, कोलोन कैंसर वगैरह में काफ़ी फ़ायदा करता है। हार्ट के लिए ये LDL को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो ये हार्ट के लिए भी फायदेमंद है। और कैंसर, हर तरह के कैंसर में करेले का सेवन किया जा सकता है, और ये कैंसर को भी रोकने का काम करता है। तो देखा जाए तो करेला बहुत काम का चीज़ है, और करेला खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कड़वापन पसंद नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं करेले को उबाल के उसको थोड़ा सुखा के देंगे, तो वो फिर भी उसमें काफ़ी झांस निकल जाती है उसकी। पर करेला खाना चाहिए, और आप ज़रूर खाइए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर बिमल छाजड़ हूँ, आपको मालूम है हार्ट की बीमारी का इलाज हम लोग करते हैं बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी, और हार्ट अटैक नहीं होने देते हैं उसकी बंदोबस्त। जिनको हार्ट की बीमारी का मालूम नहीं है, वो हम लोग की एक जांच हम लोग करवाते हैं, जिसको बोलते हैं CT कोरोनरी स्कैन, उससे वो अपनी ब्लॉकेज पता कर सकते हैं। तो हमारा काम है हार्ट के बारे में एजुकेट करना, हार्ट के पेशेंट्स को ऑपरेशन से बचाना, और हमारे करीब 100 सेंटर इंडिया भर में चलती है, तो आप उसके बारे में ज़रूर हम लोग की वीडियोज़ देखें। थैंक यू वेरी मच।